बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? यकीनन आप अल्लाह की रहमत से, अल्लाह के करम से आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक दुनिया की और आखिरत की रहमतों से और नेमतों से नवाजे हमें, आमीन। और हमें 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने की अल्लाह पाक तौफीक दे, आमीन। तो आज मैं बना रही हूँ मटर पुलाव। तो मैंने ये 2 ग्लास चावल लिए हैं, उनको भगो के रख दिया था आधा घंटा। और ये 1 चम्मच मैंने ज़ीरा लिया है, और 1 बड़ी इलायची, और स्टार फूल लिया है, और दालचीनी के 2 टुकड़े हैं छोटे छोटे, और 3 लौंग लिए हैं, और 7-8 मैंने काली मिर्च ली है, और 1 तेज़ पात है, और सब्ज़ मिर्च का 1 चम्मच है, और 2.5 चम्मच नमक के हैं, और 2 टमाटर मैंने काटे हैं, और ये मटर, और ये 2 प्याज मैंने काटे हुए हैं। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये मैंने एक कढ़ाई में आधा कप ऑयल डाल के रखा हुआ है, तो ये भी गर्म हो चुका है। इसमें प्याज डालती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको फ्राई करते हैं। प्याज और मसाले जो मैंने डाले थे वो फ्राई हो चुके हैं, तो अब ये मैं मटर डाल दूँगी। और ये टमाटर फ्राई हो चुके हैं, तो अब ये मैं मटर डाल दूंगी। और ये टमाटर तकरीबन 5 या 8 मिनट मैंने इनको मटरों को भुना है ऐसे, तो अब घी छोड़ दिया है मटरों ने, तो अब मैं इसके अंदर 3 ग्लास पानी के डालूंगी। पानी जब पकने लगेगा तो फिर मैं इसके अंदर राइस डालूंगी। देखिए पानी पकने लग गया है, तो अब मैं इसके अंदर राइस डाल दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी खुश्क हो गया है, तो ये मैंने थोड़ा सा जर्दा रंग दिया और दूध डाल के उसको हल कर लिया, और अब मैं इसके ऊपर डालूंगी। और 5 या 8 मिनट के लिए हम इसको दम में रखेंगे। देखिए मैंने मटर पुलाव को 5 मिनट दम के बाद मैंने चूल्हा बंद कर दिया, और उसको प्लेट में चावलों को निकाल लिया। बहुत मज़े के बने हैं, तो आप भी ट्राई कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट्स में लिखना है कि आपको ये मटर पुलाव की रेसिपी कैसी लगी है। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।